कांग्रेस संसदीय पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी जी ने मंगलवार को द हिंदू अखबार में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार लोकतंत्र से घृणा करती है, जो चिंताजनक है। लेख में सोनिया गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र की तीनों स्तंभों को सिस्टमैटिक तरीके से नष्ट किया है। उन्होंने आगे लिखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल में स्पष्ट किया है कि सरकार की आलोचना दंडात्मक कार्रवाई का आधार नहीं है, पर क्या सरकार सुन रही है। हाल ही में खत्म हुए संसद के बजट सत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने विपक्ष को जनता की आवाज उठाने से रोका। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मीडिया को डरा धमका कर उसकी स्वतंत्रता छीन ली है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सीबीआई 95% मामले केवल विपक्ष के खिलाफ दर्ज कर रही है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी में जाने वालों के खिलाफ मुकदमे चमत्कारी रूप से गायब हो जाते हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण में बात तक नहीं करती। मोदी सरकार न्यायपालिका को नीचा दिखाने में लगी है। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की भाषा पर सवाल उठाए। बीजेपी और आरएसएस नेताओं के नफरती बयानों पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के मसले पर भी सच नहीं बोलते। सोनिया जी ने लिखा कि आने वाले दिन काफी अहम है। कांग्रेस पार्टी समान चारों वाले दलों के साथ हाथ मिलाकर भारत के संविधान की रक्षा के लिए हर कोशिश करेगी। गांधी ने अपने लेख में मेहुल चौकसी और बिल्किस बानो का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि घोटालेबाजों को प्रधानमंत्री नजरअंदाज करते हैं, तो दूसरी तरफ बिल्किस बानो के रेप के दोषियों को छोड़ दिया जाता है। किसानों की 2022 तक आय दोगुनी करने के अपने वादे पर विफल रहने के बाद प्रधानमंत्री ने आसानी से चुप्पी साध ली है।